बट अब क्या करूं, नजर आए कलर इतने कोई खूबसूरत है। बेस ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं मैंने कोई फिल्टर लगाया हुआ। वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ नताशा वकास। मैं सोच रही थी कि यार एक रोज़ा और हो जाएगा तो चलो आराम से कौन से कर लेंगे जो तैयारी करनी होगी। कहीं पार्लर भी नहीं गई, कुछ भी करने, और बस ऐसे टाइम गुजर गया। सारा वक्त ऐसे गुजरा है, इसके बाद रमज़ान ऐसे गुजरे हैं, समझ नहीं लगी। सब ईद की प्रिपरेशन कर रही हूँ इमरजेंसी में। वैक्स स्ट्रिप लेकर आई हूँ, वैक्सिंग करने लगी हूँ सबसे पहले मैं। कितने क्रीमी वैक्स है ये, बस हाथ से लेके यूज़ करने लगी हूँ। सब बहुत मैस बनने वाला है, आप लोगों का दिल खराब होने वाला है। एक छुरी दे दो मामा को, हाथ से भी लगा लेते हैं। देखा है प्रोन दाशा, वाह। वाह 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 वाह, क्या नीट एंड क्लीन हो गए बाल। अरे छोटे छोटे बाल थे वो भी निकल गए, देखे नजर आए ये देखें। अरे मुझे पैरों की भी वैक्स करनी है। तो बिलाल साहब छुरी लेकर आ गए हैं, मुझे वैक्स देखना नजर आई है। सो जल्दी से मैंने दूसरे हाथ पे भी वैक्सिंग कर ली है सारी, और अच्छे से रिमूव भी कर दी है, और सारे छोटे बड़े सब बाल निकल लिए। वैक्स का ये ऑयल है, ये लगा लेते हैं। इसमें फर्क नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसमें बाल है अभी। वो लोग जो कहते हैं कि हम घर में वैक्सिंग नहीं कर सकते, तो ये वीडियो देख ले आप लोग। छोटे से छोटा बाल भी इसने सारा उतार लिया, और हाथ देखने साफ हो गया बिल्कुल। फिर मैंने अपने लेग्स की वैक्स की, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जो है वो मिनी फेशियल किया, मतलब मैंने सबसे पहले फेस वॉश यूज़ किया है, फिर मैंने क्लिनजर किया है ताकि अच्छे से डर्ट ऑयल वगैरह कुछ भी फेस पर लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने स्क्रबिंग की, ये तीन स्टेप मैंने किए क्योंकि उसके बाद मैंने करना था फेस रेजर, और फेस रेजर के बाद आपने जो है वो मास्क लगाना होता है ताकि जो पोर्स वगैरह खुल गए हैं वो बंद हो जाए अच्छे से। सो यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग वगैरह स्क्रबिंग कर ली, और आप रिजल्ट चेक कर सकते हो फेस पर कितना प्यारा ग्लो आया। डर्मा टच का मैंने फेशियल यूज़ किया था। मैंने के बाद शैम्पू किया ना, तो बाल अभी बहुत ही फ्लफी सा हुआ है। जब सुलझाऊंगी बाल, मैंने कंघा भी नहीं किया, जब सुलझाऊंगी तो फिर आपको सही नजर आएगा, पर देखें कितना खिला खिला हो गया है। सो फेस रेजर करने से पहले ना अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज किया करें ताकि आपकी स्किन पे कट या रैश ना लगे। ब्राउन पीपल को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी रेजर करें, क्योंकि हमारी स्किन पे मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अदरवाइज अगर आप लोग लेजर डिवाइस यूज कर रहे हो मेरी तरह, फिर आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी फेस रेजर यूज करने के बाद लेजर डिवाइस यूज करनी है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने लेजर डिवाइस आज यूज़ नहीं की क्योंकि आज मैंने मेकअप करना था, मैं कल लेजर डिवाइस करूंगी, इसलिए मैंने आज रेजर कर लिया है फेस के ऊपर फुल पे, जहाँ जहाँ करना था। मुझे एक नेक पे भी बाल आता है तो मैंने वहाँ पे भी कर लिया। आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हो फेस मास्क लगाने के बाद, कितना प्यारा फेस हो गया, नीट एंड क्लीन, और ग्लो भी आप चेक कर सकते हो। फेशियल मैंने यूज़ किया डर्मा टच का, अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के ऊपर, उसके बाद जो है मैंने लेंस अप्लाई करने, और उसके बाद हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो दोनों आईज में लेंस लग गए, मैं लगा रही हूँ प्राइमर, प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ निशू खान के ब्रांड का, बहुत ही आला प्राइमर निकाला है, मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ इसको। जब मैं इफ्तार पार्टी में गई थी तो मैंने ये वाला प्राइमर लगाया था, और काफी देर तक मेरा फेस अच्छा सा मॉइस्चराइज रहा था। लेकिन मैंने फाउंडेशन तो नहीं लगाई, पर प्राइमर मैंने ये यूज किया था। बहुत ही प्यारी सी इसकी पैकिंग है, आपको नजर आ रही होगी, चेक कर लो कैसे दिखाते हो, सही फोकस हो। ये इसकी पैकिंग है ये, और इसका टेक्स्चर है कुछ ऐसा, ये पोर्स को बिल्कुल ब्लरी कर देता है। ये मैंने लगा लिया, आई के नीचे भी लगा रही हूँ इसी को, और आई के ऊपर भी ऐसे, और जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो इतना प्यारा फाउंडेशन ब्लेंड होगा ना। ये देखें, ये लगा लिया ना मैंने, अभी फाउंडेशन लगाते हैं। यार टाइम ही मुझे अभी मिला इसका, क्या करूं। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है घर पे, पूछना तो आया बारिश हो रही है, पूछना इधर तो इतनी तेज लगी हुई है ना बारिश, स्टूडियो बना के भेजती हूँ। सो फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर ली है, इसको ना अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना, मैं फिंगर के साथ ही ब्लेंड करूँगी, उसके बाद जो है वो स्ट्रिपलिंग ब्रश से इसको स्प्रेड कर लूँगी। इससे ना आपकी कवरेज बड़ी अच्छी आती है, मतलब ये टेक्निक है मैंने आपको शेयर की हुई है ऑलरेडी। मेरे ख्याल से मैंने मेकअप की कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं बताई हुई ऑलरेडी, मैंने सारा बताया। और जो मेरे तरीके से मेकअप करता है उसका पॉलर से भी अच्छा मेकअप होता है, बहुत ही फ्लॉलेस बेस बनती है। मैं साथ यहाँ कॉल पर लगी हुई थी चार्ज की अस्का के साथ, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पर देख लें कितनी प्यारी बेस बनी है मेरी। अब इसके ऊपर मैंने जो है वो लूज़ फेस पाउडर भी लगा लिया, जो हमारी बेस है वो खराब ना हो। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा सा अमाउंट फाउंडेशन के लिए, लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है इस टाइम पे, बस थोड़ी बहुत जो बाहर से रोशनी आ रही है उससे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर भी बादल हुए हैं। अच्छा ये ब्लश यूज कर रही हूँ मैं, और निशू खान का ही ब्रश, ब्लश एंड ब्रश, बहुत ही क्यूट और प्यारी पैकिंग है, बिजली हो रही है। हाँ जी ये मेरे हाथ में, ये बल्कि ये पैकिंग है इसकी, मैं खोल के दिखाती हूँ, सब्र करें। साल में फर्स्ट टाइम कोई ब्रांड ऐसा है कि जिसने मूज ब्लशेस लॉन्च किए। मूज ब्लशेस ऐसे होते हैं, प्रेस करो हाथ के ऊपर आ गया, और ये कहाँ दिखाओ, चीक्स पे दिखा देती है, नजर आया।
अरे आप लो ड्रायर तो बंद कर दो ना, पूरी वीडियो मेरी खराब करे। और गलती से मैंने आज सोच लिया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो मैं इस ब्रश से लगाऊंगी यूं, बहुत ज्यादा लग गया यार। देखिए कितना प्यारा अप्लाई हो रहा है, कंटोरिंग की जरूरत ही नहीं। मैं तो कंटोरिंग नहीं कर रही, मैं ऐसे ही करूंगी बस। ये सी वाओ, ये देखें रिजल्ट। इसमें तीन कलर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से यार। एक रेडिश सा कलर है, एक ये वाला कलर है पिंकिश सा, और एक ओरेंजिश सा कलर है, बहुत ही प्यारा। मैं दिखाती हूँ अभी खोल के आपको। पहले मैं निशु की लिपस्टिक यूज़ करती थी, अब ये तीन प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो मेरे मतलब जो हर वक्त हर टाइम मेरे पास अवेलेबल प्रोडक्ट है ना वो वाले प्रोडक्ट हो गए। इसी से कंटोरिंग कर लेते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जॉ लाइन बहुत अच्छी है मेरी। बस इसी को मैं, यहाँ मेरा किसने परफ्यूम यूज़ किया है, ये सऊदिया वाला। किसने किसने स्प्रे किया मेरा सऊदिया वाला परफ्यूम? तभी अब आज ये देखें इसके रिजल्ट चेक करो, ब्लश के सब कुछ छोड़ो, टेम्पल पे लगा रहे, कितना प्यारा रिजल्ट है इसका। ब्लशेस के ये तीन कलर हैं, एक जो मैंने लगाया हुआ है, दूसरा है ये बहुत प्यारा और खूबसूरत, और तीसरा ये। तीनों कलर बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। देखे सारा पाउडर झड़ गया शर्ट के ऊपर, सुख शुगर मैंने नए कपड़े नहीं पहने थे, ये चेक करें। खूबसूरत है यार, इतने खूबसूरत है, पैकिंग और कलर हर चीज़ परफेक्ट है, और गुड गुड चीज़। अच्छी बात ये है कि मेरा कोड भी है इसके ऊपर नताशा टेंशा है, जिसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको। बस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे वाले ब्लशेज हैं, ब्रश बहुत अच्छा जिसे मैंने एप्लीकेशन की है, मूज ब्लशेज हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड ने मूज ब्लशेज लॉन्च किए हैं। मेरा कैमरा ले जाओ साथ, ये बच्चों के साथ वीडियोस नहीं बन सकती, मैंने इसलिए वीडियोस बनाना छोड़ दिए बच्चों। टक्कर मार के गया, ब्लश निकल गया मेरा सारा। ये देखें बहुत ही प्यारे ब्लशेज हैं, बहुत ही पिगमेंटेड है, और पैकिंग वगैरह हर चीज बहुत प्यारी डिसेंट नाजुक सी है। संभाल संभाल के यूज करने क्योंकि एक्सपेंसिव भी है थोड़े से। लिपस्टिक यहाँ लगा लेते हैं। वाह, मुझे मूज ब्लश हाथ पे लगा हुआ था, मैंने यहाँ लगा लिया। नाइस, कपड़े चेंज करके आती हूँ। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया, अब मैं लगा रही लिपस्टिक। मैं दो लिपस्टिक ना मिला के लगा रही हूँ। पहले तो मैंने वो ब्लश लगाया था मूज, अब मेरी आईब्रोज फिल करने, लेकिन आईब्रोज कितनी पतली से लग रही है। फिर तस्वीर ने ब्लो ड्रायर चला दिया। लिपस्टिक भी निशु खान की यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लिप्स खराब नहीं करती है लिपस्टिक। प्यारी लिपस्टिक लग रही है, आंखों पे भी यही लगा लेते हैं। फिर कोई ना बीच में ना सिल्वर सा ग्लिटर सा लगा लूंगी आंखों के ऊपर ऐसे। नहीं करो ना, कैमरा हिल रहा है। ये नीचे मकान साहब घर में मौजूद है, मैं बच्चे नहीं देखेंगे, ऐसा ही होता है हमेशा। देखिए मैंने जो लाइट कलर की लिपस्टिक थी ना वो ये वाली अंदर लगाई है, और ऊपर लगाई है ये डार्क कलर की। एक का नाम है जर्दगी और एक का नाम है जानान। लाइट कलर वाली जानान है, और आईज पे भी ये लगा ली। अब मैं लेशेज लगा के ना आती हूँ, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आईब्रोज मैंने क्या किया खराब, मेरे पास एक लाइनर पड़ा हुआ था, बस वही फिल कर लिया, और ये स्पूली से इसको कॉम कर लिया। ये देखो ऐसे हल्का हल्का अभी ना ये लाइट, बेटा बस हो गया काम खत्म। मलाज करा, बस जल्दी करो जल्दी करो निकलो। अब मैं लैशेस लगाने लगी हूँ, मरियम परवेज की बिंगो और क्रिस्टीन के लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जितने भी मैंने लैश ग्लू यूज़ किए ना आज तक, सबसे अच्छी क्रिस्टीन की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लैश ग्लू है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टे करती है। मैंने पहले बाजार से ली थी, मेरी फेक आ गई थी, पर मैंने दराज से मंगवाई, वो मेरी सही आई है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा भी आई थिंक मेबेलिन का ही है, मेरे पास काफ़ी पहले का आया हुआ है मस्कारा। इसके रिजल्ट वैसे काफ़ी अच्छे हैं। सो आँखें कितनी बड़ी बड़ी और खुली खुली लग रही है लैश लगाने के बाद। यार बेस ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं मैंने कोई फिल्टर लगाया हुआ, हालांकि मैंने इस टाइम कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ। बहुत ही मजे का फ्लॉलेस बेस लग रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने हल्के हल्के से बाल स्ट्रेट किए नीचे से, इससे मैंने कहा आपको बाल भी दिखा दूँ कैसे लग रहे हैं। देखिए हल्के हल्के से नीचे से स्ट्रेट कर लिए मैंने, ये पहले सोच रही थी कर्ल कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार स्ट्रेट ही करती हूँ। और ये मैंने डॉलिंस का स्ट्रेटनर यूज़ किया है, सेल से मैंने लिया था 5500 समथिंग का, 5500 का आया था। दराज से मैंने लिया था, किसी ने बाय करना तो उसका लिंक लगा दूँगी। ड्रेस मैंने पहना हुआ फियोना का, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी डिटेलिंग है इसके ऊपर, और मैं नीचे जाकर दिखाती हूँ। बस अब मेरा हाईलाइटर लगाना भूल गई यार, हाईलाइटर लगाते हैं। हाईलाइटर मैंने लगाया है मरियम परवेज के पैलेट रेडियंस से। मैं जिस टाइम पे गई हूँ ना मैं उस टाइम हाईलाइटर का क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मुझे लगा कैमरा ऑन है बट क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सो मैंने इसके अंदर से स्पार्क कलर का एक शेड है, सो मैंने ये लेके इसे हाईलाइटर लगाया था। ये बड़ा ही प्यारा इसका हाईलाइटर है, ये देखें इस तरीके से अप्लाई हो जाता है, और ये चीक्स पर अभी तक भी एज इट इज़ ये। अच्छा मैं अब आपको ना प्राइमर का भी रिजल्ट दिखाऊँ और ब्लश का भी, ये देखें
कितने घंटे हो गए इसको लगे हुए, 2 बजे से लेके अभी हो रहे हैं 12:30, और ये देख लें अभी तक भी ब्लश और वो फाउंडेशन प्राइमर हर चीज़ एज इट इज़ बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ। मैंने कभी वीडियो की एडिटिंग वगैरह में फ़िल्टर या स्मूदिंग या एडिटिंग में कुछ यूज़ नहीं किया, जैसे कैमरे से रिकॉर्ड होती है वीडियो एज इट इज़ में अपलोड कर देती हूँ। और आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो, बहुत ही प्यारे इसके रिजल्ट है, प्राइमर के भी और लिपस्टिक के भी और ब्लश के भी, और जो जो चीज़ें यूज़ की ना सारी के लिंक्स लगा दूंगी, जिनका कोड है उनका कोड लगा दूंगी। निशु खान ने कोड दिया हुआ है जिस पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, मरियम परवेज कोड नहीं देती है, सो उस पर जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट है उसी में खरीदने पड़ेंगे आप लोगों को। बाकी जो दराज के लिंक्स हैं वो भी लगा दूंगी। लाइनर मिनीसो का था और मस्कारा था मेबिलिन का, मेरे पास पहले का था, और फाउंडेशन भी मेबिलिन की थी, जो लोग पूछेंगे उनके लिए बता रही हूँ। और लेंस का कलर है ये, मतलब सही लाइट होगी, मतलब मेकअप इतना प्यारा हुआ हुआ, ये देखें जो अच्छी सी लाइट होगी ना आपको उसमें सही मेकअप नजर आएगा, ये देखें, क्योंकि मैंने कोई रिंग लाइट वगैरह कुछ भी सेट नहीं की इसमें जिसमें आपको सही नजर आए, लेकिन लेंस का कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब जिसका नाम पता नहीं क्या, आई थिंक ल्यूमिनर ग्रे कलर का है, लेंस कलेक्शन नाम है इंस्टाग्राम पेज पे, वहां से मैंने लिए थे ये। सो बहुत ही प्यारा अभी तक भी मेकअप है, कोई क्रीज नहीं आई, कोई लाइन नहीं आई, अभी तक भी एज इट इज स्मूथ मेकअप है आपके सामने। सो पेज वगैरह टेक कर दूंगी, आप लोग ऑर्डर करने ऑर्डर कर सकते हो। बाय जी। सो ये मेरा फाइनल लुक है, आपको फाउंडेशन दिखा रही हूँ बिल्कुल करीब से कि कैसी लग रही है, और आई होप कि मेकअप लुक अच्छा लगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा एलिगेंट सा, बस वही जो लिपस्टिक आंखों पर लगाई थी वही लगी हुई है, वही ब्लश है इतना प्यारा सा, वही 2 शेड लिपस्टिक मिला के लगाया था, लाइट सा फाउंडेशन था प्राइमर के पास, देखा कितना प्यारा इसके रिजल्ट है। वाओ, लिंक्स वगैरह लगा दूंगी सारे, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हो।